हेलो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस समय अपेक्षा कर रहे हैं नीट रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए, ताकि दिमागी टेंशन्स आप सभी के कम हो जाए, है कि नहीं। अच्छा, आज का टॉपिक मेरा ये है कि MBBS, BAMS, BDS, BHMS, BUMS या फिर BBSC करने के बाद उसका स्कोप क्या होगा, फ्यूचर में हमें प्लेसमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारी सैलरी क्या होगी, क्या मैं MBBS करता हूं या BAMS करता हूं तो कहां मेरी सैलरी ज्यादा होगी, क्या मैं BBSC कर लूं तो क्या मेरी सैलरी ज्यादा हो सकती है। तो उस तरह के तमाम सवाल हमारे विद्यार्थियों ने उठाए हैं और इस संदर्भ में मुझसे डिमांड की गई कि सर, आपके हमने इंग्लिश में बहुत सारे वीडियो देखे हैं, कृपया एक स्कोप के बारे में हिंदी में वीडियो बनाइए। तो मैंने त्वरित फैसला लेते हुए हिंदी में वीडियो बनाने का फैसला किया। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप, सैलरी, प्लेसमेंट आफ्टर MBBS, BAMS। मैं आपको विस्तारपूर्वक सारी जानकारी यहाँ देना चाहूँगा। बाय द वे, मैं डॉक्टर अरविंद राज ओझा, मैं फाउंडर चेयरमैन हूँ STM इंडिया एजुकेशन बॉम्बे से। हम लोग YouTube पर काफ़ी एक्टिव हैं, पिछले 20-22 सालों से हम लोग फ्री काउंसलिंग करते आए हैं बच्चों को किसी भी तरह के एडुकेशनल प्रॉब्लम्स के लिए, या फिर MBBS, BDS, मेनली वी आर मेडिकल एक्सपर्ट्स। आप हमारी वेबसाइट www.allmedicine.org पर जाकर पूरी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। अब बिना समय लेते हुए मैं मुद्दे की बात करता हूँ कि किस तरीके से आप जीवन में फैसले ले सकते हैं। नीट देना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, यकीन मानिए, नीट देना अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। इस तपस्या में आप सभी शामिल होते हैं, आप पेरेंट्स, बच्चे, आपके कोचिंग क्लास, आपके टीचर्स, आपके गाइडेंस, आपके मार्गदर्शक, सभी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तब कहीं जाकर आप 720 मार्क्स का नीट का एग्जाम देते हैं। नीट एग्जाम देने के पीछे मकसद क्या है? अगर मकसद की बात करते हैं तो हमारे 100 में से 90% यही कहेंगे, पेरेंट्स कहते हैं, बच्चे कहते हैं, वी वांट टू डू MBBS, हमें MBBS ही करना है, हमें MBBS ही करना है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं सर, मुझे BAMS भी चलेगा, मैं आयुर्वेदा करूंगा। कुछ बच्चे BBD की डिमांड करते हैं, कुछ BHMS करते हैं। इन सब क्राइटेरिया के पीछे, सिलेक्शन के पीछे, नो डाउट आप नीट में क्या स्कोर करते हैं, उसके अलावा आपकी फाइनेंस कंडीशन क्या कहती है, आप कितना फी अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम फी की बात करते हैं आमतौर पर किसी भी कोर्स के लिए, तो टोटल कोर्स फी कम से कम 1 लाख रुपए से लेकर ये चली जाती है करोड़ों में। मैं बात कर रहा हूँ MBBS की। वही अगर हम BAMS की बात करें तो कम से कम 2 से 2.5 लाख से शुरुआत होती है और जाते हैं कम से कम 30 से 35 लाख तक, और कहीं कहीं ये फिगर 55 लाख तक भी चला जाता है। अब मुद्दा ये है पेरेंट्स के सामने कि मेरे बेटे का या बेटी का नीट रिजल्ट आ गया है, अब मैं MBBS ले रहा हूं या BAMS ले रहा हूं, मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं। मान लीजिए आपका गवर्नमेंट में लग गया तब तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जाएंगे। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जाते हैं तो बेझिझक मैं कहना चाहूंगा कम से कम आप 20 से 30 लाख की व्यवस्था करके रखें, तब जाके कहीं पूरा कोर्स होगा। आप सभी जानते हैं कि 4.5 साल कोर्स पूरा करने के बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है, और इंटर्नशिप के बाद फिर बारी आती है प्लेसमेंट की। अगर प्लेसमेंट सही नहीं मिला तो ब्रेन ड्रेन होगा, डिससेटिस्फेक्शन होगा, घर में असंतुष्टि का वातावरण रहेगा। तो कई पेरेंट्स के दिमाग में ये भी सवाल है कि मैं इतने पैसे लगाकर मेरे बेटे या बेटी को डॉक्टर बना रहा हूं, तो फ्यूचर का क्या होगा, व्हाट इज द गारंटी, व्हाट इज द जॉब स्कोप, उसकी प्लेसमेंट कहाँ होगी, उसकी सैलरी कितनी मिलेगी, कौन से अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जहां मैं ज्वाइन कर सकता हूं। अब मैं बारी बारी एक एक मुद्दों को बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले आपकी बेसिक जानकारी के लिए यह बताना आवश्यक है कि आप जिस कोर्स में जा रहे हैं
उसे कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करता है, कौन सी सरकार की बॉडी है जो उस कोर्स को नियंत्रित करती है। और कहते हैं ना कि आधी अधूरी जानकारी रखना मतलब ज्ञान का नाश। किसी को पूरी जानकारी देने से, किसी को पूरी जानकारी देनी हो तो यह बेहतर है कि पूरी जानकारी दी जाए न कि आधी अधूरी दी जाए। हम एक चार्ट को देख सकते हैं। इस चार्ट में मैंने जिक्र किया है कि किस तरह सारे कोर्सेस को हमारी गवर्नमेंट लॉबी कंट्रोल करती है। हम बात करते हैं सर्वप्रथम MBBS पे। MBBS को जो लॉबी कंट्रोल करती है, जिसे MCI पहले कहा जाता था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और करंट डेट में इसे कहा जाता है NMC, दैट इज कॉल्ड नेशनल मेडिकल कमीशन। सेकेंड नंबर पर आता है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसे कंट्रोल करता है CCIM, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। नाउ हियर हम जब आगे जाते हैं, हमारे पास फिर BDS आता है, इसे कंट्रोल करता है DCI, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। बाद में हमारे पास BBSC है, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, विच इज कंट्रोल बाय VCI, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया उसे नियंत्रित करती है। उसी तरह हमारे पास फिजियोथेरेपी है, जिसमें आप BPT कहते हैं, उसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ये काउंसिल कंट्रोल करती है। हमारे पास जितने भी मेडिकल कोर्स हैं जिन्हें जिनके लिए नीट मैंडेटरी है, उन्हें कोई ना कोई काउंसिल कंट्रोल करती है। अगर आप BHMS, BUMS, BNYS की बात करते हैं तो उसे भी CCIM नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने कोर्स पूरा होने के बाद क्या मुझे इतनी सैलरी मिलेगी। एक हिंदुस्तान में, भारत में एक मानसिकता बन गई है कि अगर मैं डॉक्टर हूं तो ही अच्छा कमा सकूंगा। कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं स्टेटस के लिए, कुछ लोग बनना चाहते हैं अपने चाचा मामा काका को दिखाने के लिए, कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं कि मैं कितना पैसा कमा लूं, मैं क्या कर सकता हूं। सभी का अपना अपना उद्देश्य है, बट यकीन मानिए डॉक्टर एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। यू हैव टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स पेरेंट्स एंड पेशेंट्स। आप जब कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल में ज्वाइन करते हैं तो आपको आपके विचार, आपकी मनोभावना, उस पर नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि याद रखिए, आप हिंदुस्तान के भविष्य से खिलवाड़ न करें, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको फ्यूचर कोर्स करना है, एक्शन लेना है। मैंने जस्ट नाउ ये बताया कि ये कोर्स को ये नियंत्रित करते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप BAMS करें, चाहे MBBS करें, चाहे BDS करें, चाहे BHMS करें, चाहे BUMS करें, आपको 5.5 साल के बाद एक एग्जाम देनी होगी। उसे कहते हैं नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड नेशनल एग्जिट टेस्ट। विदाउट क्वालिफाई हुए आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर का लाइसेंस नहीं मिलेगा, आपको एज ए फिजिशियन लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो आप जब ये कोर्स में ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आगे का 5.5 साल के बाद क्या होगा ये सोचकर चलिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो सिलेबस आप डील कर रहे हैं आप कोप अप न कर पाए। हो सकता है कि आप काफी अच्छा कर लें, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप सभी को मानसिक रूप से तैयार रहना है कि 5.5 साल के बाद हमें नेक्स्ट की एग्जाम देनी है, तब आपको लाइसेंस मिलेगा, तब आप एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कर पाएंगे। अन्यथा आपकी डिग्री नल एंड वॉइड होगी, इट विल बी वेस्टेज ऑफ योर टाइम एंड मनी एंड एवरीथिंग। अब इन मुद्दों से हटकर मैं बात करता हूं सैलरी की। देखिए, आमतौर पर जो सैलरी कंपेरिजन है ये 19-20 का फर्क आता है। किस तरह से, मान लीजिए हमारे पास दो कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट MBBS कर रहा है, एक कैंडिडेट BAMS कर रहा है। ऐसी सूरत में हमें यह देखना होगा कि दोनों ने कितना समय लगाया है, दोनों ने कितना समय दिया है उस कोर्स के लिए। एक मैं चार्ट के जरिए आप सभी को समझाना चाहूंगा ये चीजें किस तरह चलती हैं। देखिए, इस चार्ट में दो नाम हमारे पास, एक है डॉक्टर रोहित जिन्होंने MBBS किया है, और दूसरे है डॉक्टर नवीन जिन्होंने BAMS किया है। देखते हैं दोनों में समानता क्या है, दोनों में अलग अलग क्या है। सबसे पहले समानता है इन दोनों में, आप देख सकते हैं चार्ट में, इन दोनों कैंडिडेट नीट अपीयर्ड हुए थे और दोनों नीट में क्वालिफाई हैं।
दूसरी चीज, 4.5 साल का कोर्स MBBS कैंडिडेट ने भी किया है और BAMS कैंडिडेट ने भी 4.5 साल ही पढ़ाई की है। तीसरी समानता उसमें यह है कि दोनों ने भी एक एक साल की इंटर्नशिप करी है, तब जाके ये कहीं एलिजिबल हुए हैं, तब जाके कहीं ये परिपक्व हुए हैं। अब सर्जरी की बात करते हैं, दोनों के डिग्री में सर्जरी है, दोनों के डिग्री में सर्जरी है, इसने भी सर्जरी सीखी है, इसने भी सर्जरी सीखी है, बट ऑफिशियली स्पीकिंग जब तक आप MD या MS नहीं कर लेते हैं, चाहे एलोपैथी में चाहे आयुर्वेदा में, तब तक आप सर्जरी के लिए लीगल लाइसेंस के हकदार नहीं होते। वहीं दूसरी ओर हम प्रैक्टिस की बात करते हैं, MBBS डॉक्टर रोहित ने मॉडर्न मेडिसिन के बारे में प्रैक्टिस की है। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, डॉक्टर रोहित ने मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस की और डॉक्टर नवीन ने आयुर्वेदा प्रैक्टिस करी। मॉडर्न मेडिसिन में फर्क क्या होता है कि आए दिन नए नए डेवलपमेंट होते रहते हैं, नए नए RNA, नए नए DNA आते रहते हैं, जैसे कोरोना आया तो नए नए वैक्सीन आए, तो उसमें नए नए अपडेट्स लगातार चलते रहते हैं, सो दे हैव टू कोप अप। वही दूसरी तरफ जब आप आयुर्वेदा करते हैं तो आयुर्वेदा एक हिंदुस्तान का, एक भारतीय संस्कृति का, सभ्यता का एक प्रचारक है, एक प्रसारक है जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हमारे पिता, हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी कहीं ना कहीं तुलसी से, नीम से, कहीं ना कहीं पौधों से जुड़े हुए हैं और कोई ना कोई गहरी जानकारी अवश्य रखते हैं। हालांकि अगर मैं कंपेयर करूं दोनों डॉक्टरों को, MBBS और BAMS को, तो दोनों ने भी एनाटॉमी की पूरी पढ़ाई की है, दोनों ने फिजियोलॉजी की पूरी पढ़ाई की है, दोनों ने भी बायोकेमिस्ट्री पूरी पढ़ाई की है। उन्होंने फिजियोलॉजिकल सिस्टम में जाकर एनाटॉमी के अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, ऑल द सिस्टम्स के बारे में पूरी जानकारी ली, तब जाकर के उन्हें डिग्री मिली है। अब आते हैं हम इस पर प्लेसमेंट की बात करें, तब क्या होगा? जब प्लेसमेंट की बात करते हैं, एक अच्छी चीज है दोनों के केस में, आप चाहे MBBS करें चाहे BAMS करें, आप दोनों भी खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं। नाउ कमिंग टू सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू, आमतौर पे देखा गया है कि MBBS की सैलरी BAMS से ज्यादा होती है। एक MBBS अगर उसकी शुरुआती सैलरी 40,000 से 50,000 की होती है, तो एक BAMS की सैलरी 25,000 से 35,000 के बीच हो जाती है। देखिए सैलरी डिफ्रेंसिएशन है। वहीं आपको जो शुरुआती अपॉइंटमेंट जो मिलते हैं, आमतौर पे देखा जाए तमाम स्टेट सरकारें, जो राज्य की सरकारें हैं, वो बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की नियुक्ति करती हैं, तो शुरुआत की दौर में, नियुक्ति के दौर में आपको जो नियुक्तियाँ मिलती हैं वो रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में या ग्रामीण इलाकों में मिलती हैं, काफ़ी इंटीरियर एरिया में मिलती हैं। और शुरुआती दौर में MBBS और BAMS डॉक्टर दोनों समतुल्य काम करते हैं, दोनों एक समान काम करते हैं। अब मैं और मुद्दों की बात करूं अगर, तो सरकारी नौकरी में तो काफ़ी स्कोप है, नो डाउट। आप लग गए, चलते रहे, 9 to 5 जॉब है, आप सेटिस्फाइड हो गए। लेकिन अगर आप खुद की प्रैक्टिस करते हैं, बड़े पैमाने पर और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको काफ़ी स्कोप है। देखिए जितना ज़्यादा आपका क्लिनिकल एक्सपोजर होगा, जितना ही ज़्यादा आप पेशेंट के प्रति लगाव रखेंगे, आपका अच्छा रुझान होगा, मेहनत करेंगे, काफ़ी समय देंगे, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक मैं अंदाजा बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल केस, अगर एक MBBS डॉक्टर दिन में 10 पेशेंट को डील करता है और कंसल्टेंसी के लिए चार्ज करता है 120 रुपीज, लेट्स इमेजिन, जस्ट अजम्पशन, हाइपोथेटिकल केस, 120 रुपीज चार्ज करता है, तो 10 पेशेंट के पीछे उसके हो जाते हैं 1200 रुपए। वही उसके साथ एक आयुर्वेदा वाला पेशेंट है, आयुर्वेदा डॉक्टर है, वो चार्ज करता है 90 रुपए, और उसके पास आगे 12-13 पेशेंट, तो मोर ऑर लेस उसने 1250 के आसपास पहुंच गया, वो भी पहुंच गया। नाउ हियर योर डेडिकेशन, इट विल डिसाइड हाउ इट इज, आप कितना बोल्ड है, किस तरीके से काम को आगे ले जा रहे हैं, ये डिसाइड करेगा। नाउ आप इस चार्ट देखिए, इस चार्ट में
मैं को पंचकर्मा के बारे में बताना चाहूंगा। जब आप साउथ इंडिया की तरफ बढ़ते हैं कर्नाटक ऑनवर्ड्स, आंध्रा, केरला या चेन्नई की तरफ जाते हैं, तमिलनाडु की तरफ, आप पाएंगे तमाम पंचकर्मा सेंटर खुल गए हैं। जी हाँ, पंचकर्मा सेंटर खुल गए हैं जो कि एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है फॉरेनर्स के लिए। पंचकर्मा थेरेपी, पंचकर्मा ट्रीटमेंट में काफी बेनिफिट होती है, तो उसके जरिए भी काफी अच्छी आमदनी का जरिया बनाया जा सकता है। अब देखते हैं, अगर आप किसी संस्थान से जुड़े हैं, किसी एनजीओ से जुड़े हैं तो क्या होता है। अगर आप किसी एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं तो एक एनजीओ भी आपको 35 से 40 तक की सैलरी बड़े आसानी के साथ ऑफर कर सकता है। इस समय आज की तारीख में आप देखेंगे कुछ प्राइवेट संस्थान जैसे कि डाबर हो गए या पतंजलि हो गई या श्री श्री रविशंकर जी हो गए, इस तमाम संस्थान हैं जो कि आयुर्वेदा को बढ़ावा देते हैं, जो कि डॉक्टरों को प्रमोट करते हैं, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एज ए बिगिनर एक आराम से आप 25 से 30 के बीच सैलरी स्टार्टिंग कर सकते हैं। आप जितना डीप नॉलेज लेंगे, जितना ज्यादा पेशेंट को डील करेंगे, उतना ही ये बेहतर होगा आप सभी के लिए। और एक मुद्दा है कंसर्न का, अक्सर होता क्या है कि हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ये एमबीबीएस के साथ कम्पीट करना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट विथ एलोपैथी मेडिसिन, जो सच्चाई है जिसे आप एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एलोपैथी फास्ट क्योर है, तो वो उनसे कम्पीट करते हैं एमबीबीएस वालों से जो पहले 4.5 साल लगातार मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनसे आप जब कम्पीट करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज यू आर ए न्यू कमर ओवर देयर। सो माई सिंसियर सजेशन, अगर आप आयुर्वेदा पर ध्यान दे रहे हैं तो पूरी तरह से आयुर्वेदा में ही ध्यान दीजिए, बिकम एक्सपर्ट इन दैट, एक अच्छा खासा नाम कमाइए, आपकी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट कीजिए, अटैच विद कॉर्पोरेट लॉबी टू योर सेल्फ, तो इससे आपके प्रॉस्पेरस, आपके प्लेसमेंट के चांसेस काफी बेहतर हो जाएंगे। देखिए, अब आपको एक चार्ट के जरिए बताना चाहूंगा ब्रिज कोर्स के बारे में। व्हाट इज ब्रिज कोर्स? ब्रिज कोर्स भारतीय सरकार एक ऐसी व्यवस्था ला रही है जिसमें जिन बच्चों ने बीएएमएस किया है या बीएचएमएस किया है या बीडीएस किया है, वो 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल का एक गैप कोर्स या ब्रिज कोर्स करके दे विल बी इक्वल टू एमबीबीएस, वो एमबीबीएस के समतुल्य हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे। सो यू कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब मेडिसिन, जैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको वो राइट मिल जाएगा। सर्जरी को लेकर तमाम कॉन्ट्रोवर्सी आती है, सर्जरी को लेकर, तो सर्जरी के लिए वेरी क्लियर कंट्रोल, आप अगर एमएस है, एमडी है, देन यू कैन डू सर्जरी, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड, बट स्टिल यू कैन, यू आर अलाउड विद 60 टाइप्स ऑफ प्लस माइनस माइनर सर्जरीज, स्मॉल माइनर सर्जरीज वन कैन डू, सो दैट प्रोविजन इज देयर। सो समटाइम मैटर गोज टू कोर्ट, तो थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी होती है, देन डिसीजंस आर टेकन by wise people. So what happens? There are chances of surgery where do Ayurveda or allopathy. So 60 minor kind of surgeries even Ayurveda people can do it. Now ये तो हो गया जी पूरे MBBS और BAMS के बारे में। अब बात करता हूँ BDS के लिए। BDS एक separate branch है, इसका अपना ही scope है। BDS एक new emerging branch है, आप सभी जानते हैं। Actually it is between MBBS एंड BAMS। वो जमाना जब दादाजी या परदादाजी, दादी जी आज भी दांतों का इस्तेमाल करते हैं, तो दांत दर्द हुआ या कोई समस्या आई तब ये BDS को रिफर करते हैं। नाउ माय पर्सनल ओपिनियन फॉर रैंकिंग, इट कुड बी डिफरेंट, हो सकता है कि आप कोई सहमत ना हो उस चीज से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये निजी ओपिनियन है, मैं किसी पर याद नहीं रहा हूं। फॉर मी MBBS नंबर 1, देन BAMS नंबर 2, नंबर 3 BPT, नंबर 4 BBSC बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस डॉक्टर, एंड नंबर 5 BDS, आफ्टर दैट BHMS, BUMS एंड सो ऑन। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। नाउ बिलीव मी माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ BDS
आप खुद का क्लिनिक खोलने जाते हैं तो कम से कम आपके पास एक 25 से 30 लाख का एक्स्ट्रा बजट होना चाहिए, तब आप कहीं जाकर सेट हो पाएंगे, अदर वेरी डिफिकल्ट। आगे ये वाइस वर्सा, आप 20 से 25 से 30 हज़ार सैलरी में कहीं भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में खुद को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको चलता हूं वेटरनरी साइंस की तरफ, BBSc बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, इसका भी काफी अच्छा स्कोप है। इसका स्कोप क्या है बताने के पहले आपको मैं एक लिस्ट डिस्प्ले कर रहा हूं चार्ट पे, देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं। करेंटली एज पर टूडेस डेट इन इंडिया देर आर टोटल 91,927 MBBS सीट इन 612 कॉलेजेस एंड इन 2 ZIPMER। देन वी टॉक अबाउट आयुर्वेदा, देर आर 52,750 सीट्स विच आर इन 275 कॉलेजेस ऑफ आयुर्वेदा। देन वी हैव BDS 27,350 सीट्स इन 315 कॉलेजेस एंड एट लास्ट और BBSc, देर आर टोटल 59 कॉलेजेस। BBSc के करीब 59 कॉलेज हैं जिसमें करीब 49 कॉलेज सरकारी हैं और 10 प्राइवेट हैं, जहां पर 5,049 सीटें हैं। आप एक एनिमल डॉक्टर, BBSc डॉक्टर, कैटल के डॉक्टर होकर काफी अच्छा कमा सकते हैं। आई हैव सीन डॉक्टर्स हु अर्न बेटर देन MBBS इन BBSc बिकॉज इंडिया डेवलपिंग कंट्री, दूध की सप्लाई हो, बाद में वेदर किसी भी जानवर बीमारी हो, चाहे वो फिर गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, या फिर मुर्गी हो, बतख हो, इन सब चीजों को कहीं ना कहीं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट लगता ही लगता है। तो एज अ वेटरनरी साइंस डॉक्टर ऑल्सो यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो के आखिर में यही संदेश देना चाहूंगा कि आप जब भी कोई फैसला करते हैं तो काफी सोच समझ कर करें, अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, दोस्तों के साथ बैठें, किसी सिने डॉक्टर से राय लें, अपने टीचर से राय लें, एक अच्छी राय और सलाह मशवरे के बाद ही आप सही डिसीजन पर आए। क्योंकि मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि आप ये जो कोर्स कर रहे हैं नीट के बाद, आपको 4.5 साल के बाद फिर से नेक्स्ट एग्जाम देनी है। आप अपने घर का बजट देखिए, बजट कितना है, क्या उस बजट में आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपका क्लिनिकल एक्सपोजर क्या होना है, आप पेशेंट को किस तरह हैंडल करते हैं। देर आर डॉक्टर्स हु हैंडल पेशेंट्स वेरी स्मूथली, वेरी जेंटली। एज यू गो टू देम यू फाइंड अरे यार बहुत डॉक्टर बड़ा अच्छा है, तो बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं आप, डॉक्टर को देखते ही आपकी आधी बीमारी भाग जाती है। सो दैट काइंड ऑफ रेपुटेशन यू शुड डेवलप। और बाकी जहां तक पैसे का सवाल है, पैसे कमाने की कोई सीमा नहीं होती, आपको आपकी ब्रांड वैल्यू मार्केट में खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको एक बेहतर डॉक्टर बन के निकलना है तो आपको समाज सेवा का आधार बनाकर ही पैसे कमाना होगा। इस बेसिक आधार को गांठ बांध लीजिए कि आप जब भी पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे तो समाज सेवा ही उसका मूल आधार होना चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसे डॉक्टर देखे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में 50 रुपये BMS कंसल्टेंसी लेते हैं, और ऐसे डॉक्टर देखे हैं जो उधारी पर भी चलते हैं। सो इट्स पर्सन टू पर्सन, डॉक्टर टू डॉक्टर, सबका अपना माइंडसेट है, अपनी ओपिनियन है। बट एज ए एजुकेशनल काउंसलर मेरी सिंसियर एडवाइस यही रहेगी कि आप जो भी डिसीजन लें काबिल सोच समझ कर लें, अपना बजट देखें, और मैं आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हूं। मेरा फोन नंबर 9321111134 और वेबसाइट पे दिए नंबर हमेशा चालू रहते हैं। किसी भी तरह की समस्या हो, नीट में कम स्कोर आया हो, ज्यादा स्कोर आया हो, सर मैं किस कॉलेज में फिट हो सकता हूँ, आप मुझे एनी टाइम पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी तरह हेल्प करूंगा। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे ब्रांच ऑफिसेस, जैसे कि जो देहरादून में है, हमारा हेड ऑफिस बॉम्बे में है, प्लस साइट पे हमारे ब्रांच ऑफिस दिए गए हैं। वी आर लोकेटेड एट भांडुप के, हम लोग नेपच्यून मैग्नेट मॉल में लोकेटेड हैं। आप यहाँ पर आ सकते हैं प्रायर टू अपॉइंटमेंट, हमारे यहाँ काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, भगवान आप सभी का कल्याण करें।